नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। ह्यूंडई क्रेटा बिक्री के मामले में भारतीय बाजार में हमेशा देश के टॉप 10 सेलिंग कारों में शामिल होते रही है, लेकिन सेल्टॉस के रूप में किया ने जब से अपना पहला प्रोडक्ट भारतीय बाजार में लॉन्च किया है, तब से लेकर यानी कि लॉन्चिंग से बाद से ही किया सेल्टॉस ने भारतीय बाजार में तहलका मचा दिया है। किया सेल्टॉस के अक्टूबर के सेल्स फिगर को अगर हम टोटल सेल्स फिगर में जोड़ें तो किया सेल्टॉस देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली मिड साइज एसयूवी बन चुकी है। किया सेल्टॉस ने सेगमेंट की कई सारी धुरंधर रही गाड़ियों को धूल चटा दी है और सेल्टॉस के दम पर ही किया मोटर्स अब भारतीय ऑटो सेक्टर की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। अगस्त के महीने में लॉन्च से लेकर अब तक किया मोटर्स को सेल्टॉस की 60,000 यूनिट से ज़्यादा की बुकिंग्स ऑलरेडी मिल चुकी हैं। आंकड़ों के मुताबिक किया मोटर्स सेल्टॉस की अब तक 26,840 यूनिट्स को बेच चुकी है। तो चलिए जानते हैं कैसा रहा किया सेल्टॉस का पिछले 3 महीने का सफ़र आज के इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। किया सेल्टॉस इस साल अगस्त में लॉन्च हुई थी और अब यह सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी बन चुकी है। सेल्टॉस ने इस सेगमेंट में टॉप पर रह चुकी ह्यूंडई क्रेटा को भी पीछे छोड़ दिया है। अपने शानदार बिक्री की वजह से किया सेल्टॉस को वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। सेल्टॉस की कीमत 9.69 लाख रुपीज से शुरू होकर 16.99 लाख रुपीज तक जाती है, जहां अगस्त के महीने में सेल्टॉस की 6,236 यूनिट्स बिकी थी, वहीं सितंबर में ये आंकड़ा 7,754 यूनिट्स को पार कर गया था। लेकिन अक्टूबर के महीने में सीधे सीधे मंथ टू मंथ सेल्स फिगर में 70% से बढ़कर ये आंकड़ा 12,850 यूनिट को पार कर गया है। वहीं दूसरी ओर MG हेक्टर की भी अक्टूबर के महीने में जमकर बिक्री हुई है, जो MG हेक्टर का अब तक का रिकॉर्ड रहा है। सेगमेंट की सबसे ज़्यादा पॉपुलर कारों की अगर हम बात करें तो MG हेक्टर की अक्टूबर में 3,536 यूनिट्स बिकी हैं, जो MG हेक्टर की अब तक की सबसे ज़्यादा और सबसे बढ़िया सेल्स फिगर रही है। हेक्टर को जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था और जुलाई में इसकी 1,508 यूनिट्स बिकी थी। अगस्त के महीने में 2,018 यूनिट्स की सेल हुई थी और सितंबर में यही आंकड़ा 2,608 यूनिट्स का था, जिसके चलते हेक्टर सेगमेंट की बाकी कारें जैसे टाटा हैरियर, जीप कंपास के मुकाबले हमेशा टॉप पर रही हैं। बिक्री के मामले में कभी हमेशा टॉप पर रही ह्यूंडई क्रेटा अब दूसरे नंबर पर रही है। अक्टूबर में इसकी बिक्री घटकर 7,269 यूनिट तक पहुंच गई है, जबकि पिछले साल अक्टूबर के महीने में इसके 11,702 यूनिट्स बिके थे। महिंद्रा स्कॉर्पियो बिक्री के मामले में तीसरे पायदान पर रही है। अक्टूबर के महीने में 4,600 यूनिट्स की बिक्री महिंद्रा ने स्कॉर्पियो के जरिए की है, जबकि पिछले साल यही आंकड़ा 4,603 यूनिट का था। अक्टूबर 2019 के बिक्री के आंकड़ों के मुताबिक MG हेक्टर ने टाटा हैरियर, जीप कंपास, महिंद्रा XUV 500 पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ी है। MG हेक्टर ने 2019 में अकेले धनतेरस के दिन पर एक ही दिन में 700 से ज़्यादा गाड़ियों की डिलीवरी की थी। ओल्ड इज गोल्ड के नाम से मशहूर महिंद्रा XUV 500 SUV की अक्टूबर के महीने में 1,378 यानी कि 1,378 यूनिट्स की बिक्री हुई है, जबकि पिछले साल यही आंकड़ा 2,156 यूनिट्स का था। केवल डीजल इंजन में आने वाली मारुति S-Cross की बिक्री लगातार घट रही है, जिसके पीछे डीजल इंजन को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। S-Cross की अक्टूबर के महीने में 1,356 यानी कि 1,356 यूनिट्स ही बिक पाई हैं, जबकि इसी दौरान पिछले साल ये आंकड़ा 3,317 यूनिट्स का था। टाटा हैरियर की
1258 यूनिट्स की बिक्री हुई है। हैरियर की जुलाई, अगस्त और सितंबर में बिक्री की तुलना करें तो अक्टूबर में बिक्री थोड़ी सी बढ़ी है। हालांकि इस साल के शुरुआत में हैरियर जब लॉन्च हुई थी तो इस सेगमेंट में बिक्री के मामले में ये काफ़ी आगे थी, लेकिन लंबी वेटिंग और दूसरी कंपनियों के बेहतर विकल्प आने के बाद इसकी बिक्री धीरे धीरे कम होती चली गई। इसके अलावा हैरियर में बिक्री की सबसे बड़ी अड़चन इसका केवल डीजल इंजन में होना ये भी रहा है। जीप कंपस इस सेगमेंट में यह सबसे महंगी एसयूवी है। अक्टूबर के महीने में कंपस की केवल 854 यूनिट यानी कि 854 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। वही 2018 अक्टूबर में यह आंकड़ा 1150 यूनिट यानी कि 1150 यूनिट्स का था। वही अब कंपस का फेसलिफ्ट जल्द ही आने वाला है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। रेनो डस्टर के फेसलिफ्ट को इसी साल कंपनी ने लॉन्च किया था, इसके बावजूद इसकी बिक्री पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। अक्टूबर 2019 में डस्टर की केवल 622 यूनिट यानी कि 622 यूनिट्स ही बिकी हैं, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 2018 अक्टूबर में 750 यूनिट्स का था। आखिरी गाड़ी की अगर हम बात करें तो निसान किक्स को इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था, लेकिन ये निसान को किक नहीं दे पाई है, इसमें ये नाकामयाब रही। अक्टूबर 2019 में किक्स की केवल 313 यूनिट ही बिक पाई हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर पसंद नहीं आया है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।